यहाँ से जाएंगे पैदल पैदल, देख सकते हो ये पूरा स्टाफ है। लाल दिया झंडे की। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकॉन मिस्टर देव। हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के यहाँ सब लोग, और यहाँ सब हम रुक रहे हैं जय श्री श्याम। और यहाँ पे ये भैया, और यहाँ बाबा जा रहे हैं क्लियर रिंग से पैदल यात्रा जाएंगे। बहुत खाटू नरेश की जय। तो अभी यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए, देख सकते हो ये सब रुकमणी के। बात अब सही हुई आपकी, आप बोल रहे थे ना चौधरी बोल रहे थे कर रहा था। खाटू श्याम जी के हम यहाँ से जाएंगे पैदल, आप देख सकते हो। और यहाँ पे यस फोन पर बात कर रहा है, यहाँ पे सौरभ भैया भी आ गए। अब यहाँ से हमारा गाड़ी हम उतार दिए, अब यहाँ से हम जाएंगे पैदल। तो चलो चलते बोलो जय श्री श्याम। तो ये है हमारा स्टाफ पूरा, यहाँ से चलते बैठ के अंदर। चले स्वामी जी, जय श्री श्याम, जय श्री। यहाँ से जाएंगे पैदल पैदल, देख सकते हो ये हमारा पूरा स्टाफ है, हमारी गैंग। यहाँ पे हमारे अध्यक्ष साहब जिनको टिकट मिल चुकी है वो सबसे आगे, और यहाँ पे उनका मीडिया कर्मी चल रहे हैं। बोलो शाम में बाकी ये आ गए हैं बाबा की नगरी में। बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। सुबह सुबह देख सकते हो अभी फुल जाएगा, बहुत है अभी फुल जोश में। हमारे सौरभ भैया वीडियो बना रहे हैं। तो ये रिंगस का बाजार है जो मेन पुलिया उतरता है, देख सकते हो। राहुल भैया झंडे की खरीदारी कर रहे हैं। ये है प्रभु जी, जितने भी ये सब चल रहे हैं ये हमारे ही साथी है, और ये हमारे सब हम इतने सारे लोग हम एक साथ चल रहे हैं। खाटू नरेश की जय।
मैं सबका आपका परिचय करा देता हूँ। मैं तो हूँ देवेंद्र, ये हमारे राहुल भैया और ये हमारे क्या नाम सौरभ भैया स्वामी जी, हे प्रभु, ये हमारे प्रभु जी है और पीछे हमारी बॉयज वाली गैंग जो देख सकते हो। और हमारे यहाँ पे भजन लाल शर्मा को हम दिखाना बहुत जरूरी है, ये हमारे भजन लाल जी शर्मा। गीला हो गया। अब हम रिंगस से 4 किलोमीटर चल दिए हैं और अब टोल आ चुका है, तो यहाँ से कुछ किलोमीटर और है और फिर आपको हम आगे मंदिर में जाके बाबा के दर्शन कराएंगे। सौरभ भैया जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। प्रभु जी। यस सर। जय श्री श्याम बोलो। जय श्री श्याम बनवारी। जय श्री श्याम एंड मी टू। सेवा करने के लिए रुके सब भक्तों की यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिंगस के बीच में नाश्ता का पूरा सुविधा उपलब्ध है, तो यहाँ पे ये सब नाश्ता करवा रहे हैं। यहाँ पे ये सैंडविच मिल रहा है और सारी व्यवस्था हमें यहाँ पे मिल रही है रिंगस के रास्ते के बीच में। खाने की व्यवस्था, जूस की व्यवस्था, कुरकुरे और भी सब, छोले भटूरे सब यहाँ पे सारी व्यवस्था है। और यहाँ पे हम सैंडविच और थोड़े से ये कुरकुरे खाने के लिए यहाँ पे हमारा स्टाफ रुका है, और तो यहाँ पे थोड़ा आराम करते हुए और नाश्ता करके वापस हम चलते हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ से हम वापस खाटू श्याम जी के लिए चल दिए नाश्ता करके। तो ये अब हम यहाँ पे पहुँच गए, हमारा रुक्मणी का बोर्ड दिख रहा है सामने, रुक्मणी ज्वेलर्स हो रहा। और ये रहे रुक्मणी स्टाफ के सारे, ये रहे रुक्मणी के ओनर हमारे राहुल भैया, देख सकते हो आप, ये है राहुल भैया, ये सौरभ भैया, ये सुशील भैया और ये मैं। और ये रहा हमारा सामने रुक्मणी का बोर्ड। कैसा लग रहा है भाइयों, थकान हुई नहीं हुई, हुई क्या? ये फर्जी ब्लॉगर हमारे साथ जो चल रहा है ये क्लिप कट। सौरभ भैया देखो तो, जय श्री श्याम। ये है खाटू श्याम जी की पार्किंग, देख सकते हो कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी पार्किंग है। तो फाइनली हम लगातार ग्राउंड के एरिया में पहुंच चुके हैं और यहां से रेलिंग वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है। और ये है हमारे बजरंग जी और ये हूँ मैं। अब यहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे, हमने काफ़ी सफ़र तय कर लिया और यहां से सफ़र का थोड़ा असली मज़ा आएगा क्योंकि यहां से रेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहां से देखो और यहां पे हमें हर रास्ते में जगह जगह हम 11 से एक दिन पहले आए हैं और हमारे को इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिली है और अभी तक तो आराम से हम चल रहे हैं। अभी तक सफ़र में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है और हमारे ऊपर अभी पानी की होली भी खेली गई थी, पानी भी छिड़का गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये सेंट, इनमें से इत्र निकल रहा है, अच्छी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बड़े बड़े पंखे लग रखे हैं, इनसे काफ़ी अच्छी हवा आ रही है। तो यहाँ पे एकदम हमारी पूरी थकान यहाँ पे आके मिट चुकी है क्योंकि यहाँ पे एकदम ठंडा हवा आ रही है और इत्र आ रहा है, पूरा बहुत मज़ा आ रहा है। तो आइए बाबा श्याम के दरबार में और दर्शन करिए। और यहाँ पे फ़ोन चलाने के लिए मना करते हैं लेकिन फिर भी सब चला रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी चला लेता हूँ। तो चलो आगे देखते हैं, आपको बाबा के दर्शन कराते हैं अगर होंगे तो, पर पहले मैं खुद करूँगा फिर फ़ोन चलाऊँगा। तो दरबार तो काफ़ी अच्छा सज रखा है, बहुत ही अच्छा। ये फ़ोन वापस
यहाँ से काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाबा का दरबार पूरा फूलों से सजा रखा है बाबा का दरबार, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और Hey, 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 hey